हमारे साथ मुरारी बापू जी मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, हम लोग यहाँ पर अयोध्या में मौजूद हैं इस वक्त, तमाम स्थानों से लोग आ रहे हैं, बड़ा हर्षित हैं, उल्लाहित हैं। आपके अंदर कितना उत्साह और उल्लास है, क्योंकि 500 वर्षों का वनवास खत्म हुआ है? किसको हर्ष नहीं होगा? हम तो रामकथा के गायक के नाते केवल हर्ष नहीं, सुखी नहीं, आनंदी नहीं, परमानंद में डूबे हुए हैं। परमानंद में डूबे हुए हैं, बहुत बड़ी बात आपने कही है। कथाओं के जरिए आपको तमाम लोग सुनते हैं, क्या मैसेज है देश के लोगों के लिए, राम भक्तों के लिए? नहीं, पूरे देश और पूरे विश्व के लिए मैं कहूँगा कि ये जो घटना घट रही है, तो भारत के माध्यम से ये घटना पूरे विश्व में शांति और भाईचारा के लिए एक पैगाम होगी, एक सगुन होगा। सर, एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं कि तमाम भ्रांतियां भी फैल रही हैं कि कोई शंकराचार्य नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, और ये इस तरह की बातें जो है वो हो रही, इसको किस तरह से आप अपनी नजर में देखते हैं? नहीं, मैंने बार बार कहा है कि कोई क्या कह रहा है, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, वो अपनी बात वो जाने। मैं तो केवल राम को देखता हूँ, मेरे केंद्र में राम है, बाकी सबसे मैं प्रमाणिक डिस्टेंस रखे हुए हूँ। मैं मेरी राम कथा और राम के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, मुरारी बापू जी थे, उनसे बातचीत हो रही थी भारत समाचार की। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ राम को देखता हूँ, राम सबके हैं, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें एक तरफ हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ है, और हमको बेहद आनंद है, परम आनंद है, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।